हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीईटी पावर स्लाइस मशीन को ऑन करना देखेंगे। यह है जीईटी पावर स्लाइस मशीन, ये यूपीएस। ये हम मैन पावर ऑन करते हैं। ये यहाँ से गैंट्री ऑन करते हैं। ये यूपीएस ऑन करते हैं कंसोल के लिए। ये यूपीएस ऑन हो चुका है हमारा, तो देख सकते हैं आप। यूपीएस इज ऑन लाइव। चलते हैं हमारे गैंट्री यूपीएस ऑन करने के बाद हम हमारा कंसोल जो सिस्टम है वो चालू करते हैं। सैनिटाइजर देख सकते हैं आप, मशीन ऑन हो चुकी है, गैंट्री ऑन हो चुकी है। हमारा जो पीसी सिस्टम है वो ऑन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। देख सकते हैं आप, हमारा जो पीसी सिस्टम है वो चालू हो चुका है, जो हमारा जी का जो अपडेट है सॉफ्टवेयर। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था कि जब भी मशीन ऑन करते हैं पहली बार 24 घंटे में, फर्स्ट बार, तो जब भी ऑन करो तो उसको फास्ट कैलिब्रेशन वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम वहाँ पे देख पा रहे हैं, एरर बता रहा है मशीन के अंदर, आप देखो एरर बता रहा है। उस एरर को जी में ये प्रॉब्लम आती है, उस एरर को निकालने के लिए हमें जो गैंट्री का सिस्टम दिया होता है उसमें थोड़ा पैन की नोक डाल के एरर को निकाल देते हैं। आप देख सकते हो जो एरर था वो हट गया है। अब हम इसको वार्म अप करेंगे। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है मशीन की परफॉर्मेंस के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारी जो मशीन है गैंट्री यूपीएस और जो हमारा कंसोल सिस्टम है पीसी, वो भी ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले स्कैन लेने से पहले इसको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है मशीन को, तो हम वार्म अप कर देते हैं सबसे पहले। तो वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे क्या है हमारा स्कैन क्लियर आए। उसके बाद कोई भी जो स्कैन में ब्लर आते हैं, आर्टिफैक्ट आते हैं, वो ना आए, तो सबसे पहले हम ट्यूब वार्म अप करना ज़रूरी होता है। तो ट्यूब वार्म अप प्रोसेसिंग जो ऑन हो चुकी है, और 24 घंटे में एक बार फ्रेंड्स हमें फास्ट कैलिब्रेशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फास्ट कैलिब्रेशन ये सब इसलिए होता है कि जो स्कैन लेते हैं हम पेशेंट का, उस टाइम कोई भी आर्टिफैक्ट ना आए। तो वार्म अप होने में थोड़ा टाइम ले रही है। तो हमारी ट्यूब वार्म अप हो चुकी है फ्रेंड्स, और 24 घंटे में एक बार हमको फास्ट कैलिब्रेशन होता है वो ज़रूर करना चाहिए। तो हमने आज देखा ट्यूब वार्म अप करना, मशीन को ऑन करना, जी की फोर स्लाइस मशीन। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलेंगे अगले वीडियो में।
ऐसे ही किसी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में बात करने।